हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्राइवेट वीडियो। क्या एक प्राइवेट वीडियो शूट करना अच्छी बात है? और लोग आजकल प्राइवेट वीडियो शूट क्यों करते हैं? वैसे तो आजकल लोग अपनी लाइफ की खुशी केवल फोन में कैप्चर करते हैं, चाहे वो फोटो हो या वीडियो। लेकिन क्या हमें अपने प्राइवेट मोमेंट को भी अपने फोन के अंदर शूट करना चाहिए? प्राइवेट वीडियो शूट करने से हमें क्या फायदा होता है? बस हम उस मोमेंट को कभी भी देख सकते हैं। लेकिन आपको वही प्राइवेट वीडियो अगर सब लोग देख ले तो आपके दिल पर क्या बीतेगी? मान लो कि आपका प्राइवेट वीडियो आपके फोन के अंदर है और आपका फोन चोरी हो जाए। एक तरफ आप अपने फोन के चोरी होने का दुख बनाओगे या अपने प्राइवेट वीडियो को सोशल मीडिया पर डालने का। जब उस चोर को आपका फोन चुराते हुए शर्म नहीं आई तो आपका वीडियो डालते समय क्यों आएगी? शर्म तो आप लोगों को आएगी लोगों से नजरें मिलाने में। इससे अच्छा है कि जो आपके प्राइवेट मोमेंट है उसे आप वापस अपने बेडरूम तक रखें, ना कि अपने फोन में। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि आपका फोन खराब हो जाए तो आप अपना फोन ठीक कराने के लिए किसके पास जाओगे? आप अपना फोन ठीक कराने के लिए मोबाइल रिपेयर के पास जाओगे। और अब आपके फोन में आपका प्राइवेट वीडियो है, आप उस वीडियो को डिलीट करना चाहते हो लेकिन डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि आपका फोन खराब है। अगर आपका अपना फोन यूज करना है तो आपको अपना फोन ठीक कराना ही होगा, जिसके लिए आपको फोन की शॉप पर जाना होगा और इसके बाद आपके फोन के सारा डाटा फोन रिपेयर के पास आ जाएगा। फिर वो आपके फोन के साथ कुछ भी कर सकता है। अगर आपका दोस्त आपसे फोन मांग रहा है तो आप उसे मना तो नहीं करोगे और आप लोग उसे अपना फोन दे दोगे? और वो दोस्त आपकी लाइफ कितनी खराब कर सकता है ये तो आपको अच्छे से पता होगा। इसलिए किसी को फोन देने से पहले 100 बार सोच लेना कि आपके फोन में ऐसा तो कुछ है नहीं जिससे आपकी लाइफ डेंजर में आ सकती है। वीडियो वायरल क्यों होता है? ज्यादातर केस में आपने देखा होगा कि प्यारे मिला धोखा तो बॉयफ्रेंड ने कर दिया वीडियो वायरल। ज्यादातर कपल अपने प्राइवेट मोमेंट को कैमरे में रिकॉर्ड करते हैं। कुछ लोग जानबूझकर रिकॉर्ड करते हैं और कुछ लोग धोखे से रिकॉर्ड करते हैं। अगर उसके बाद रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आती है तो वो ब्लैकमेल करना चालू कर देते हैं। अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को चीट करता है तो वो दूसरा पार्टनर उस प्राइवेट वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। अगर कोई आपको आपकी प्राइवेट वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है तो सबसे पहले आपको इसकी जानकारी पुलिस को देनी चाहिए, क्योंकि जितना आप देरी करेंगे उसके बाद आपको उतना ही मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए आप ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले अपने घर वालों और पुलिस वालों से बात करें, क्योंकि जितना ही आप देरी करेंगे उतना ही आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा बाद में। इसलिए प्राइवेट वीडियो शूट करने से पहले 100 बार सोचें कि ये कितना खतरनाक हो सकता है आपकी लाइफ के लिए। और हाँ, अगर किसी का प्राइवेट वीडियो वायरल हो तो प्लीज उसे शेयर ना करें, क्योंकि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। तो बस अगर वीडियो चले वीडियो को लाइक करके जो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ।